लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए छठ महापर्व को मनाया जा रहा है। छठ को लेकर प्रशासन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अर्घ के दौरान डुबकी ना लगाएं, लोगों को डुबकी लगाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग करने को कहा गया है। साथ ही घाटों पर लोगों के बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से करने के निर्देश दिए गए हैं कि सामाजिक दूरी बनी रहे। घाटों के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा, कोई सामाजिक भोज प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। वहीं महापर्व छठ को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने राजधानी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। छठ के मौके पर सुरक्षा के लिए 2500 जवानों को तैनात किया गया है और 5 स्थायी थाने भी बनाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम का मकसद है कि छठ व्रतियों से लेकर पूजा में शामिल अन्य लोगों को किसी भी तरह का परेशानी ना उठाना पड़े। आपको बता दें कि छठ व्रतियों को ध्यान में रखते हुए 6 वाटर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। 150 मोटर बोटों के साथ दानापुर पीपापुल घाट से पटना सिटी भट्टा घाट तक गंगा नदी घाटों पर तैनात की गई है। वहीं गांधी घाट पर NDRF ने स्थायी हेड क्वार्टर बनाया है। इस बारे में SSP उपेंद्र शर्मा ने बताया कि हरेक घाट पर जवानों को तैनात किया गया है।